स्टूडेंट्स, आज हमारा जो वर्डप्रेस कोर्स का लेक्चर है, लेक्चर नंबर है हमारा आज 6। पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि वर्डप्रेस के अंदर हम इमेज गैलरी कैसे लगा सकते हैं और मेन्यूज और बाकी चीज़ें काफ़ी हमने डिस्कस कर ली थी। आज जो हमारा लेक्चर होगा, इसके अंदर हम देखेंगे कि गैलरीज को थोड़ा सा टच करेंगे। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की तो आपको उसकी भी समझ नहीं आई होगी, तो इसलिए मैं कह रहा था साथ साथ प्रैक्टिस करें। फिर हम देखेंगे कि वेबसाइट का जो हमने लोगोज और टाइटल्स हैं वो कैसे अपडेट कर सकते हैं, साइट आइकन कैसे अपडेट कर सकते हैं, जैसे ये सॉफ्ट सनराइज का आ रहा है यहाँ पे, इसी तरह गूगल का होता है जी, फेसबुक का ऐप, तो ये वाला आइकन हम कैसे अपडेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का, और मोबाइल मेन्यूज रिस्पॉन्सिव मेन्यूज हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर एट द एंड टाइम बचेगा तो हम जैसे गैलरीज को हमने देखा था, उसी तरह हम बात करेंगे कि अपनी वेबसाइट के ऊपर हम स्लाइडर कैसे यूज़ कर सकते हैं। स्लाइडर के लिए हम प्लगइन यूज़ करेंगे स्मार्ट स्लाइडर का, तो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं। सर्वर मैंने ऑन कर लिया था पहले ही, हमारी वेबसाइट है ये localhost/softsunrise, ये हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब मैंने बात की थी कि हम गैलरीज के बारे में देखेंगे। गैलरी का आई थिंक ऑलमोस्ट हमने पिछले लेक्चर के अंदर काफ़ी डिस्कस कर लिया था, लेकिन एक दो पॉइंट्स हैं जो हम कंटिन्यू करते हैं गैलरीज के बारे में। तो मैंने अपना डैशबोर्ड कर लिया लॉगिन, ये आ गया हमारे पास डैशबोर्ड। अब गैलरी के बारे में जो बातें हमने डिस्कस करनी है आज की क्लास में, वो ये है कि आप एक गैलरी हमने बनाई थी, जो कि हमने यहाँ पे गैलरी के नाम से पेज बनाया था, जो हमारा यहाँ पे पेज शो नहीं हुआ था और मैंने उसको आगे देखा भी नहीं है उसकी क्या रीज़न थी। पर मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ गैलरीज के नाम से, या गैलरी के नाम से था पेज हमारा। किसी को जहाँ पे कुछ समझ ना आए कोई उसी वक्त मुझे रोक के आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ये हमने गैलरी बनाई थी। अब हम चाहते हैं कि ये गैलरी हमारे किसी और पेज के ऊपर भी यूज हो, या हम कोई और गैलरी ऐड करना चाहें तो वो हम कैसे ऐड करेंगे। जनाब हमने आना है डैशबोर्ड में और यहाँ पे गैलरी के अंदर ऑल गैलरीज, ऑलरेडी जो हमारी गैलरी है एक पेज के ऊपर तो हमने यूज़ कर ली है, लेकिन हम क्या मल्टीपल पेजेस के ऊपर उसी गैलरी को यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो कैसे करेंगे। बिल्कुल, हम अपनी एक गैलरी को मल्टीपल पेजेस के ऊपर, पोस्ट्स के अंदर या साइड बार में या कहीं पर भी यूज़ करना चाहें तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें गैलरी का शॉर्ट कोड जो मिला था, बस वही कोड हमने उठाना है और उस कोड को हमें जहाँ पे गैलरी शो करवानी है यहाँ पे वहाँ पे पेस्ट कर देना था। तो अगर आप देखें, ये गैलरी हमारी है, ये हमारे पास कोड मौजूद है। अगर आपको यहाँ से कोड नहीं आपको पता चलता तो आप यहाँ पे एडिट, मैंने न्यू टैब में इसको ओपन किया तो इधर भी हमारे पास कोड मौजूद होता है ये वाला। अच्छा, एक और कोड ये नीचे पड़ा हुआ है, ये पीएचपी का कोड है, इससे अभी आप लोगों का वास्ता नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कोडिंग की बात है इसमें। तो आप लोग जब हम एडवांस वर्डप्रेस के कोर्स लेक्चर्स देखेंगे उसमें हम कोडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, तो तब ये वाला कोड हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कैसे इसको यूज़ कर सकेंगे। तो ये कोड है आपका, इस कोड को आपने जहाँ पे भी गैलरी ऐड करवानी होगी वहाँ पे यूज़ करेंगे और आपकी गैलरी उस पेज के ऊपर ऐड हो जाएगी। इसी तरह आप इस गैलरी के प्लगइन से जितनी मर्जी गैलरीज बनाना चाहें आप बना सकते हैं। जैसे मैंने ये गैलरी बनाई थी इवेंट गैलरी के नाम से, आप बना सकते हो टीम की गैलरी, उसमें सारे टीम मेम्बर्स शो करवा सकते हैं, या आपके कोई स्कूल है, आपके वहाँ पर कोई फंक्शन हुआ जी, स्पोर्ट्स का फंक्शन है तो आप सेपरेट शो करवाना चाहते हो स्पोर्ट्स के पेज के ऊपर, तो आप अपनी मर्जी से गैलरी स्पोर्ट गैलरी क्रिएट कर लोगे। इस तरह से जिस तरह की भी आपको रिक्वायरमेंट होगी उसी के हिसाब से आपने इमेजेस यूज़ करके न्यू गैलरी क्रिएट करनी है,
उसका शॉर्ट कोड उठाना है और वो आपने उस पेज के ऊपर फाइंड करना है। इस तरह से आपकी गैलरीज ऐड हो जाएंगी। गैलरीज को इन डिटेल मजीद आई थिंक ज़रूरत नहीं है डिस्कस करने की, जैसे ये एक दो पॉइंट आई थिंक स्किप हो गए थे लास्ट लेक्चर के अंदर, तो मैंने कहा इसको वो आपको थोड़ा पता। अब हम देखते हैं कि जो हमारी ये वेबसाइट है, ये जो लोगो है सॉफ्ट सनराइज और ये टैग लाइन, ये कहाँ से आ रही है और कैसे आ रही है। अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट की बजाय सॉफ्ट सनराइज जो टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये टैग लाइन है, इसको हम रिमूव करके अपना लोगो लगाना चाहें, जैसे ये अपना हमारा लोगो लगा हुआ है जो कि हमने ऑलरेडी फोटोशॉप में या इलस्ट्रेटर के अंदर डिज़ाइन कर रखा होगा, तो वो हम कैसे यूज़ करेंगे जी। इसके लिए दो हमारे पास मेथड्स होते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे एक मेथड को। जो दूसरा मेथड है वो प्लगइन वाला मेथड, प्लगइन वाले मेथड को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप लोग इसको सीखना चाहोगे तो आप कोई भी प्लगइन इसको ढूंढ के, बल्कि ये आपकी असाइनमेंट भी हो सकती है कि आपने ये ढूंढना है और प्लगइन से आप लोगों ने ट्राई करना है कैसे चेंज करना है। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ थीम में से आपने अपना लोगो कैसे चेंज करना है। तो थीम में से लोगो चेंज करने के लिए आपने आना है अपेयरेंस के अंदर, अपेयरेंस में आकर आपने आना है कस्टमाइज के अंदर। ये कस्टमाइज का जो ऑप्शन है, यहाँ से आपकी वेबसाइट की काफ़ी चीज़ें अपडेट होती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो इसको आपने अच्छे से कोशिश करनी है सीखने की और प्रैक्टिस करने की। सबसे पहले आपका यहाँ पे आ रहा है एक्टिव थीम, जो कि हमारा बैन है। अगर आप थीम चेंज करना चाहते हैं, जो हमने अपेयरेंस के अंदर जाकर थीम्स के अंदर जाकर थीम को चेंज किया था, तो उसका एक यहाँ से भी ऑप्शन मौजूद है, आप यहाँ से भी थीम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ और ऑप्शन हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा जो टॉपिक है वो है लोगो का। लोगो, ये हमारे पास लोगो मौजूद है। आपने जस्ट ये एडिट का जो आइकन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर करना है क्लिक, या यहाँ पे एक ऑप्शन होता है साइट आइडेंटिटी, इसके ऊपर क्लिक करना है आपने, तो ये साइट आइडेंटिटी आपके पास ओपन होगी। अगर आप टेक्स्ट चेंज करना चाहते हो, सॉफ्ट सनराइज की जगह पे आपका कोई और नाम है, तो आप यहाँ पे जस्ट टेक्स्ट रिप्लेस कर दोगे। ये लिखें जो भी मैं लिखूंगा, ये अपडेट हो रहा है। अगर आपने जस्ट टेक्स्ट लिखना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट रिप्लेस कर सकते हो। अगर आपने कोई इमेज डिज़ाइन कर रखी है, जो कि मेरे पास सॉफ्ट सनराइज का लोगो है, मैं वो लगाना चाहता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ डाउनलोड। मैं लगाना चाहता हूँ ये वाला लोगो, तो इसको हम कैसे लगाएंगे, आपने सिंपली करना क्या है, ये सेलेक्ट लोगो आ रहा ऊपर, इसके ऊपर करना है क्लिक और यहाँ से आपने अपना लोगो कर लेना है अपलोड। ये लोगो है मेरा। अच्छा, ये हमारे पास आ रहा है कि SVG है लोगो की टाइप। ये देखिए लोगो जो मैंने डाउनलोड किया, लोगो .svg, इसकी एक्सटेंशन जो है SVG है। वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट SVG की जो इमेजेस या फाइल्स होती हैं वो अलाउ नहीं करता। तो ये देखिए हमें सिक्योरिटी की वजह से ये लोगो हमारा अपलोड नहीं हो रहा। अगर हम यही लोगो ही अपलोड करना चाहते हैं, तो हमें वर्डप्रेस की सिक्योरिटी की फाइल एक्सटेंशन में जाकर इसकी सेटिंग को अलाउ करना होगा। ये इस तरह की जो सेटिंग्स हैं, परमिशन हैं, ये हम एक क्लास रखेंगे जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको कोई और लोगो अपलोड करके दिखा देता हूँ जी। मेरे पास एक और लोगो मौजूद है इसका, सॉफ्ट सनराइज का। मैं वो लोगो यहाँ पे लगा देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास लोगो मौजूद है। इस लोगो को हम कर लेते हैं अपलोड। इस लोगो को हम अपलोड कर लेते हैं। ये मेरे पास पड़ा हुआ है, सेलेक्ट फाइल कर लेता हूँ मैं, अपलोड फाइल। और यहाँ पे हमारे पास ये पड़ा हुआ लोगो, ये आ गया हमारा, ऐड करना है। और जहाँ पे पूछ रहा है क्रॉप करना है आपने या नहीं करना, तो आप जितना हिस्सा उसका शो करवाना चाहते हैं क्रॉप कर लेना है और ऐड कर दिया। तो जनाब ये जैसे हमने किया, तो अब ये हमारे पास लोगो शो हो चुका है।
लेकिन साथ में लोगों के हमारा जो पहले चीज़ें आ रही थी टाइटल और ये टैगलाइन, इसके बारे में हमने पहले डिस्कस भी किया था कि ये कहाँ से आते हैं। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, अगर तो कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अदरवाइज माइक जिसका ऑन है वो काइंडली अपना माइक क्लोज कर लें। तो आप वो नहीं शो करवाना चाहते, आप यहाँ से जस्ट रिमूव कर सकते हो, ये रिमूव हो गया। या आप चाहते हो टेक्स्ट लिखा रहे तो ये नीचे जो ऑप्शन आ रहा है डिस्प्ले द साइट टाइटल एंड टैग लाइन, इसको सिंपल अनचेक कर देना, तो इस तरह से आपका लोगो अपडेट हो जाएगा। ये नीचे कुछ ऑप्शन हैं कि लोगो की विड्थ क्या हो और हाइट क्या हो, मोबाइल के ऊपर किस तरह से हो, टैबलेट के ऊपर, टैब के ऊपर और मोबाइल के ऊपर किस तरह से हो, और कितनी उसकी विड्थ हाइट्स हैं, ये भी आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। मोबाइल व्यू आ गया, टैब व्यू आ गया और ये डेस्कटॉप का व्यू आ गया। ये चीज़ें हैं, आपने इन चीज़ों को भी देख लेना है साथ में। और एक हम इसको अपलोड पब्लिश करके देख लेते हैं कि वेबसाइट के ऊपर भी अपडेट हुआ या नहीं हुआ, रिफ्रेश किया, ये देखेंगे ना हमारी वेबसाइट के ऊपर हमारा लोगो अपडेट हो चुका है। अब हमने एक और चीज़ अपडेट करनी है कि ये जो आइकन आ रहा है ये हम कैसे अपडेट करेंगे। जैसे ये स्मार्टफोन है, इसके ऊपर देखें तो ये एस आर है, इसी तरह आप गूगल पे जाते हैं तो जी होता है, फेसबुक पे जाते हैं तो एफ ओन का आ रहा होता है। तो हम अपना आइकन कैसे अपलोड कर सकते हैं, हम अपना आइकन अपलोड यहीं से ही करेंगे। ये ऑप्शन जो आ रहा है साइट आइकन का, यहाँ पे आपने साइट आइकन अपना अपलोड करना होता है। ये उसकी इंस्ट्रक्शन बता रहा है कि इसका साइज 512x512 होना चाहिए, एक इमेज जो हमारे पास डिज़ाइन जो जिसका साइज 512x512 हो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अभी क्योंकि मैंने इमेज डिज़ाइन नहीं की तो मैं अभी आपको यही लोगो जो हमने लगाया है वही यूज़ कर लेता हूँ। तो आप लोगों ने अपना देख लेना है, कोई इमेज अपनी मर्जी से डिज़ाइन कर लेनी है और उसको आप लोगों ने यूज़ करना हो। ये किया, आप यहाँ से इसको क्रॉप करना चाहें तो वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें 512x512 का साइज चाहिए, उस साइज में ये पूरा आ रहा है, हम क्रॉप नहीं करते। आप कर ले इसको ओके, और ये हमारा लोगो अपलोड हो चुका है। पब्लिश करके रिफ्रेश करके देखते हैं कि लोगो अपडेट हुआ या नहीं, मगर यहीं पे देखें तो ये आ रहा है, क्योंकि ये इमेज बड़ी है इस वजह से यहाँ पे जगह छोटी है, वाजे नज़र नहीं आ रही, इसलिए कोशिश की जाती है कि जैसे सॉफ्ट सनराइज का एस है, फेसबुक फोन का एफ होता है, इस तरह का कोई हम आइकन यूज़ करें बजाय पूरा लोगो यूज़ करने के। तो मेरा मकसद था आप लोगों को ये बताना कि कैसे ऐड होना है। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना कि कंप्लीट लोगो शो करवा देना है, बल्कि आपने जो इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताई है उसके हिसाब से अपनी इमेज को डिज़ाइन करनी है और वो इमेज आपने यहाँ पे यूज़ करनी है। तो हमारा आइकन का भी हो गया टॉपिक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि मोबाइल मेन्यू कैसे डिज़ाइन करते हैं। अभी तक हमने जितना भी सीखा है वो हमने देखा कि डेस्कटॉप के ऊपर किस तरह से हमारी वेबसाइट शो हो रही है, फिर हमने मोबाइल के ऊपर अपनी वेबसाइट को ओपन करके चेक नहीं किया। अब मसला ये है कि मेरी जो वेबसाइट है मैं तो लैपटॉप के ऊपर काम कर रहा हूँ तो इसको, और ये है भी लोकल मेरी, मैं इसको कैसे चेक करूँ अपने मोबाइल के ऊपर। तो जनाब मोबाइल की ज़रूरत नहीं है आपको मोबाइल के ऊपर ओपन करने की, हमारे पास हमारे जो ब्राउज़र्स हैं वेब ब्राउज़र्स जो हैं ये हमें सपोर्ट करते हैं कि हम अपनी वेबसाइट का मोबाइल का लेआउट भी देख सकते हैं। बिल्कुल, इसके लिए जो बेहतर है वो फायरफॉक्स ब्राउज़र है, कि जो मोज़िला फायरफॉक्स है ये वाला ब्राउज़र, इसके अंदर आप ओपन करें अपनी वेबसाइट को और ये मोबाइल का वर्जन आपको बड़ा एक्यूरेट दिखाता है। लेकिन क्रोम भी आपको दिखा देता है, क्रोम में जस्ट ये होता है कि चंद एक मोबाइल मोबाइल्स के जनरल वो दिखाते हैं मोबाइल का साइज, टैब का साइज और डेस्कटॉप का साइज, लेकिन फायरफॉक्स के अंदर हम हर एक मोबाइल, हर एक टैब, सैमसंग, आईफोन, नोकिया या जितने भी मोबाइल्स के मॉडल्स हैं उनके साइज के हिसाब से हम अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं।
कि हमारी वेबसाइट कौन सी डिवाइस के ऊपर कैसे शो होगी। तो अगर हम क्रोम की बात करें, क्रोम के लिए आपने क्या करना है, मैं एक बार दोबारा कर लेता हूँ। आपने दो मेथड्स हैं। पहला मेथड जो है, जिस एरिया को आपने देखना है, हमने देखना है हेडर वाले एरिया को, आपने उसके ऊपर करना है राइट क्लिक और आपने क्लिक करना है इंस्पेक्शन के ऊपर। जब इंस्पेक्शन पे क्लिक किया तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो चुका है। अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो ये चीज़ आपकी कुछ इस तरह से शो होगी, ये कोड वाली साइज आपकी इस तरह से शो होगी। आप अपनी मर्जी से इसको नीचे शो करना चाहें नीचे शो कर सकते हैं। कैसे किया मैंने, ये ऑप्शन जो आ रहे हैं इनकी मदद से मैंने अपनी, ये देखें, लेफ्ट पे करना है राइट पे करना है या जो भी आपको बेहतर लगता है अपने हिसाब से आपने सेट कर लेना। मैं कोशिश करता हूँ नीचे रखता हूँ, मुझे नीचे थोड़ा सूटेबल रहता है। तो आप राइट पे करना चाहें लेफ्ट पे करना चाहें आप कर सकते हैं। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड ये कोड ओपन करने का, सिंपल, आपने कोई राइट क्लिक वगैरह नहीं करना, आपने अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है F12। जी, F12 मैंने प्रेस किया और ये मेरे पास कोड वाला सेक्शन, इंस्पेक्शन इसको कहते हैं, वेबसाइट की इंस्पेक्शन, इंस्पेक्ट करके हम इसकी डीबगिंग बेसिकली यहाँ से होती है वेबसाइट की, डीबगिंग का भी आप कह सकते हैं मोड ऑन किया F12 प्रेस करके। अब हमने देखना है कि मोबाइल के ऊपर और टैब के ऊपर हमारी वेबसाइट कैसे शो होगी। तो उसके लिए आपने ये जो आइकन शो हो रहा है मोबाइल और टैब वाला, इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। ये देखें, ये हमने क्लिक किया और ये हमारी वेबसाइट का मोबाइल का लेआउट ऑन हो चुका है। ये मोबाइल के ऊपर इस तरह से शो होगा। अब ये कौन सा मोबाइल है, मोबाइल की स्क्रीन की क्या साइजेस हैं, ऊपर अगर देखें तो ये देखो 400 इसकी वेड्थ है और 500 इसकी हाइट है। आपका जो मोबाइल होता है उसकी स्क्रीन की जो साइज होती है वो बता रहा है। जो मोबाइल इस स्क्रीन साइज के होंगे उनके ऊपर ये हमारी वेबसाइट इस फॉर्मेट के अंदर शो होगी। जो मोबाइल इससे बड़ी स्क्रीन के होंगे, आप यहाँ पे अपनी मर्जी का, यहाँ पे देखो कुछ और भी ऑप्शन है हमारे पास, आईपैड, आईफोन, ये सारे डिवाइसेस मौजूद हैं। तो आप यहाँ से, ये देखो मैंने मोटो G4 लगाया जिसकी ये वेट है और 640 हाइट है। तो ये लेआउट बना है Pixel 2 के ऊपर, ये लेआउट बना है Pixel 2 XL के ऊपर, ये लेआउट है iPhone X के ऊपर, ये लेआउट होगा iPad के ऊपर, इस तरह से ये हमारी वेबसाइट शो होगी। तो इस तरह से हम अपनी वेबसाइट के मोबाइल लेआउट्स देख सकते हैं। और अगर मोबाइल के ऊपर हम क्या बात कर रहे थे अपने हेडर की, मेन्यू की, मोबाइल के ऊपर रिस्पॉन्सिव मेन्यू आप अच्छे कैसे ऐड कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो हमारा मेन्यू था मोबाइल के ऊपर आया है तो ये देखें कुछ इस तरह से आ रहा है। डेस्कटॉप के ऊपर कैसे था तो मोबाइल के ऊपर ये देखो ऐसे आ रहा है। मैं इस मेन्यू को मजीद अट्रैक्टिव बनाना चाहता हूँ तो कैसे बना सकता हूँ। तो ये आज का हमारा सेकेंड टॉपिक है। इसके लिए हम एक प्लगइन यूज़ करेंगे। प्लगइन की मदद से हम अपने मोबाइल के जो मेन्यू है जो ऑलरेडी आ रहा है उसकी जगह पे हम किसी और तरह से मेन्यू को अट्रैक्टिव अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए यूज़ करेंगे। क्लास भी हमारी 10 मिनट के बाद एंड हो जाएगी, जूम आपको बताया यूज़ कर रहे हैं हम। तो दोबारा हम आपको दूसरा लिंक भी मैं सेंड कर दूंगा जैसे ये क्लास ख़त्म होगी। तो हमारा जो मेन्यू के लिए, मोबाइल मेन्यू के लिए प्लगइन है वो इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर उसकी हम सेटिंग्स करेंगे। मेन्यू है हमारा, सॉरी, प्लगइन है रिस्पॉन्सिव मेन्यू के नाम से। प्लगइन्स के अंदर आया, ऐड न्यू किया, सर्च किया रिस्पॉन्सिव मेन्यू, ये जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है ये वाला प्लगइन है हमारा, ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट के अंदर, अपनी वेबसाइट के अंदर मोबाइल फ्रेंडली मेन्यू और एक अट्रैक्टिव मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। एक्टिवेट किया प्लगइन को। प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद हम देखेंगे कि हमारी वेबसाइट के ऊपर अगर जाएं तो इसको अलाउ एंड कंटिन्यू कर देना है। ये प्लगइन एक्टिवेट हो चुका।
अब हम रिफ्रेश करते हैं अपनी वेबसाइट को और इसका ओपन करते हैं F12 प्रेस करके। मोबाइल वर्जन, ये आया है हमारा मोबाइल वर्जन। और ये देखें, वही मेन्यू हमारा कैसे आ रहा है अब, जो कि पहले किसी और फॉर्मेट के अंदर आता था। ये अब हम, ये ऊपर हो गया थोड़ा सा, और उसके ऊपर जब क्लिक करते हैं तो ये कोलैप्स होकर एक स्लाइड की फॉर्म में दूसरी साइड से ओपन होकर हमें शो हो रहा है। तो इस तरह का आप अट्रैक्शन वेबसाइट के अंदर पैदा करने के लिए डिफरेंट तरह के प्लगइन्स डिफरेंट काम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हमने पीछे भी हमने कुछ प्लगइन्स यूज़ किए थे, जिसमें हमारा क्लासिक एडिटर था, इमेज गैलरी के लिए हमने प्लगइन यूज़ किया, और आज हमने ये प्लगइन यूज़ किया। ये प्लगइन जो हम कर रहे हैं, आपने साथ साथ नोट करते जाना है। अगर आप प्रोफेशनल मार्केट के अंदर वर्क करेंगे तो आपके क्लाइंट्स भी आपको इस तरह की रिक्वायरमेंट्स दे सकते हैं, देन आपके ये प्लगइन आपको यूज़ करने पड़ेंगे। ये हमारा प्लगइन इंस्टॉल हुआ ऑटोमेटिक, कुछ इस तरह से लेआउट बना है। अब हम इसकी मज़ीद कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं कि हमारे पास और क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, और प्लगइन्स मज़ीद और भी बहुत प्लगइन्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन हमने अभी जो प्लगइन इंस्टॉल किया उसके अंदर हमें क्या ऑप्शन मिलते हैं, हम उसके बारे में थोड़ा सा मज़ीद देख लेते हैं। आप लाजमी नहीं है यही प्लगइन यूज़ करें, आप कोई और प्लगइन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। मुझे लग रहा है यहाँ पे इमेजेस नहीं शो हो रही, चलें अभी भी नहीं शो हो रही, या जो भी सीन है यहाँ पे। तो ये हमारे पास सबसे पहले अगर देखें, जो हमारा प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद ये सेटिंग्स के साथ एक ऑप्शन आ गया है, मोबाइल मेन्यू ऑप्शंस का। मोबाइल मेन्यू ऑप्शंस आपके पास भी इसी तरह से प्लगइन की वजह से आया है। प्लगइन इंस्टॉल करने से पहले हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था। इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, हम सबको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले है इसकी जनरल सेटिंग, उसके अंदर है गेटिंग स्टार्टेड। गेटिंग स्टार्टेड किट के अंदर हमारे पास ये हेडर का स्टाइल है सबसे पहले। तो ये दो स्टाइल्स हैं, हेडर मेन्यू और हैमबर्गर मेन्यू। डिफॉल्ट हमारा एक्टिव है हेडर मेन्यू, और हमने उसको कर दिया अब हैमबर्गर मेन्यू। तो इसके अंदर हम देखते हैं सेटिंग सेव करके क्या इफेक्ट आता है। रिफ्रेश किया, जी जना, हमारा मेन्यू अभी यहाँ से गायब हो चुका है। जस्ट वो एक सेटिंग चेंज करने से हमारा मेन्यू गायब हो चुका है, लेकिन गायब नहीं हुआ, ये देखें आप, ये शो हो रहा है। तो उस सेटिंग से हमारे मेन्यू की जस्ट जो बाय डिफॉल्ट मेन्यू था वो रिमूव हो गया। जब हम स्क्रॉल करते हैं ऊपर वेबसाइट को, तो वो स्टिकी होकर यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो हैमबर्ग यूज़ करने से ये इस तरह की फंक्शनैलिटी मिल गई है हमें। अगर आपको ये फंक्शनैलिटी चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। फर्दर हम इसके अंदर चेंज कर लेंगे कि ये विजिबल नहीं है, इसके बैकग्राउंड के ऊपर कोई कलर लगा लेंगे ताकि उसकी विजिबिलिटी क्लियर हो जाए। तो अगर हमने ये वाला ऑप्शन यूज़ करना है तो उसको इस तरह से हम विजिबल भी बना सकेंगे। मजीद है कि इनेबल लेफ्ट मेन्यू, यस किया हुआ है ऑलरेडी। लेफ्ट मेन्यू, मेन्यू कौन सा शो हो, जो हमने अपेयरेंस के अंदर जाकर मेन्यूज क्रिएट किए थे, मेन मेन्यू या जो भी हमने अपेयरेंस के अंदर जाकर मेन्यूज क्रिएट किए हुए थे, अब उनमें से कौन सा मेन्यू यहाँ पे शो हो। और ऑलरेडी हमारा है वन, तो हमने वही मेन मेन्यू यूज़ कर लिया। अब हम इसको करते हैं सेव, रिफ्रेश करके देखते हैं अब क्या हुआ। तो जनाब अगर हम देखें इसके ऊपर क्लिक करके, तो अब हमारे ये मेन्यूज शो हो चुके हैं। पहले यहाँ पे ये हमारे पेजेस या मेन्यूज जो हमने लगाए हुए थे वो शो नहीं हो रहे थे, क्योंकि हमने कोई मेन्यू ही सिलेक्ट नहीं किया था। इस तरह से आप अपने मेन्यूज शो करवा सकते हैं। ये हो गई हमारी सेटिंग। मजीद देखते हैं इसके अंदर क्या ऑप्शन हैं। मजीद ये है कि यहाँ पे इनेबल राइट मेन्यू, अभी नो किया हुआ, यस करते हैं। तो राइट मेन्यू, अभी राइट मेन्यू में भी कुछ नहीं शो होगा, क्योंकि हमने राइट मेन्यू के अंदर कोई मेन्यू नहीं सिलेक्ट किया। जैसे अभी पीछे किया था, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं वही मेन मेन्यू,
सेव किया, रिफ्रेश किया, तो हमारे पास अब यहाँ पे ये देखो राइट वाली साइड पे भी मेन्यू आ चुका है। यहाँ पर आके ये देखें, ये जी राइट पे भी शो हो रहा है, लेफ्ट पे भी शो हो रहा है। आपको जो चाहिए वो आप अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। तो ये सेटिंग हमने देख ली, मज़ीद इसके अंदर देखते हैं। हमारी एक सेटिंग गेटिंग स्टार्टेड कंप्लीट हो गई, और है ऑप्शन विजिबिलिटी का। जी विजिबिलिटी इसकी हम क्या करना चाहते हैं, मोबाइल मेन्यू विजिबिलिटी ट्रिगर विड्थ, कि मोबाइल मेन्यू जो है वो कौन सी स्क्रीन के साइज के ऊपर शो हो और किस साइज के ऊपर शो ना हो। अगर हम देखें अपनी जो वेबसाइट का साइज है, ये यहाँ पे तो हमारा ये डेस्कटॉप वाला मेन्यू शो हो रहा है। जब हम आते हैं यहाँ पे, हम चाहते हैं कि स्क्रीन ऐसी जिनकी विड्थ 467 है उनके ऊपर शो हो, इससे ज़्यादा जो डिवाइसेस हैं उनके ऊपर शो ना हो। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ फायरफॉक्स के अंदर, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया कि फायरफॉक्स के अंदर ये अच्छे से हम देख सकते हैं। ये फायरफॉक्स में आया, फायरफॉक्स के अंदर भी आप आकर ये कैसे इनेबल करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करना है। फायरफॉक्स में आकर रिस्पॉन्सिवनेस मोबाइल टैब्स के साइजेस देखने के लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करना है, तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। मैंने इसको करना है रिफ्रेश, रिफ्रेश किया तो ये हमारे पास ये देखें ओपन हो चुका। अब ऊपर विड्थ तो देखो 384 है, और इस विड्थ के ऊपर हमारा ये मेन्यू शो हो रहा है। हम ऐसे इसको चेक कर लेते हैं कि ये कितने साइज तक शो होता है, ये कितने साइज तक शो होता है, ये देखें। जैसे ही हम जाते हैं 1020 तक आई थे, तो ये हमारा मेन्यू चेंज हो रहा है अपने आपको 1024 पे। अगर मैं यहाँ पर मैन्युअली टाइप करूँ 1024, तो ये देखें ये मेन्यू हमारा अभी भी वही शो हो रहा है। ये देखें जैसे हम 25 पे जाते हैं तो हमारा मेन्यू मोबाइल वाला ख़त्म हो जाता है और डेस्कटॉप वाला आ जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये मोबाइल वाला मेन्यू है ये सिर्फ मोबाइल्स के ऊपर शो हो, क्योंकि ये जो स्क्रीन का साइज है 1024 तक, वो मोबाइल के साइज से कहीं ज़्यादा है, वो टैब का साइज भी उसी के अंदर आ रहा है। मैंने सिर्फ मोबाइल्स के अंदर ये वाला ऑप्शन शो करवाना है। तो हम क्या करेंगे, हमने आना है यहाँ पे, और ये इसका जो साइज आ रहा है यहाँ पे हम कर लेते हैं 467, कि 467 तक ये वाला हमारा जो मेन मेन्यू ऑलरेडी है वो शो हो। जैसे ही वो स्क्रीन का साइज इंक्रीज हो तो हमारा जो डिफॉल्ट मेन्यू है वो वाला शो हो जाए। अच्छा यहाँ पे हम चले, मैं इसी पे 480 पे कर लेता हूँ, 480 किया, सेव किया। अब अगर हम देखें अपने फायरफॉक्स के अंदर आकर, तो मैं यहीं पे हमारी वेबसाइट अभी ओपन है, यहाँ पर मैं स्क्रीन आप लोगों के सामने आ चुकी होगी। हम देख रहे थे कि जो स्क्रीन साइज है वो किस स्क्रीन साइज के ऊपर हमने 467 के ऊपर वहाँ पे लगाया, तो 1024 के ऊपर हमने पहले देखा था। तो हमारी जो वेबसाइट थी वो यही मेन्यू यूज कर रही थी जो हमने अभी प्लगइन से किया है, जो कि अभी भी वैसे ही आ रहा है। तो मैं अब वेबसाइट को करूँगा रिफ्रेश और देखते हैं 1024 के ऊपर, ये देखें अब हमारा वो प्लग नहीं आ रहा, क्योंकि अब हमने पीछे से सेटिंग चेंज कर दी है और वो 467 के ऊपर हम देखे हैं। अगर हम इसको यहाँ से पकड़ के ये देखें छोटा करते हैं, तो ऑटोमेटिक अपने आप को ये एडजस्ट कर रही है, और जैसे ही हम आए हैं अपने उस साइज के ऊपर, 480 था, 480 से नीचे जैसे ही हम जाते हैं या 480 पर आते हैं, ऊपर मैं मैन्युअली लिख के भी आपको दिखा देता हूँ 480, तो ये देखें हमारा मेन्यू चेंज हो रहा है, ये देखें।
इस तरह से आप अपनी वेबसाइट के अंदर मेन्यूज़ को लिमिट कर सकते हैं कि कौन से स्क्रीन साइज़ की जो डिवाइसेस हैं उनके ऊपर कौन सा मेन्यू शो हो और कौन सा मेन्यू हाइड हो। ये हमारे मज़ीद आगे इस मेन्यू का जो प्लगइन हमने किया इसके अंदर और ऑप्शंस भी कुछ देख लेते हैं, और बाकी जो ऑप्शन होंगे वो आपने खुद देखने होंगे। नीचे ये ऑप्शन आ रहे हैं कि ओनली इनेबल इन मोबाइल डिवाइसेस। ये मोबाइल डिवाइसेस का अगर हम ये वाला करते हैं ऊपर विड्थ हम जितनी मर्जी लिख लें ये ऑटोमेटिक फेच करेगा ये मोबाइल के ऊपर ही। और इनेबल टेस्टिंग मोड करते हैं तो ये जस्ट एडमिन्स को शो होगा लेकिन जो बाकी यूजर्स हैं उनको शो नहीं होगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये हाइड थीम मेन्यू जो हमारा ऑलरेडी मेन्यू थीम का था इस मेन्यू प्लगइन के यूज़ करने से पहले उसको हाइड करना है या नहीं करना। बाय डिफ़ॉल्ट वो हाइड हो चुका था तो यहाँ से अगर आप उसको शो करवाना चाहते हैं तो ये मेन हेडर को आप एनेबल करके या ये सारे ऑप्शंस आपने वन बाय वन चेक करने हैं और उनसे देखना है कि क्या एक्शन परफॉर्म होता है और उन चीज़ों को आपने नोट करके ये आपने खुद ही देखना है। और फर्दर इसके अंदर कुछ डिज़ाइन के भी ऑप्शन होंगे जैसे ये एडवांस ऑप्शन के अंदर अगर हैं तो वो कह रहा है कि कैशे डायनामिक हो या ना हो कैशे की बात है, और सीएसएस ये कोडिंग की बात हो रही है यहाँ पे अभी आपको कोडिंग का आइडिया नहीं है हम इसको स्किप करते हैं। और ये आ रहा है फ़ॉन्ट कि फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी हो, फ़ॉन्ट का साइज़ क्या हो टेक्स्ट का, और ये बाकी लेटर स्पेस हैं वो ये चीज़ें हैं इनको भी हम लोग स्किप करते हैं। ये कॉमन सी चीज़ें हैं ये थीम का फ़ॉन्ट कौन सा होना चाहिए, फ़ॉन्ट फैमिली लेटर स्पेसिंग और ये चीज़ें ये आपने खुद सारी देखनी है अपनी मर्जी से उनको सेट करना है। और ये आ रहा है कि हेडर स्टिकी। अब स्टिकी क्या होता है और ये स्टिकी को किया हुआ है यस, स्टिकी को किया हुआ है यस। तो स्टिकी अगर हम वेबसाइट के ऊपर आकर देखें तो जैसे ही हम ये नीचे जा रहे हैं हमारा जो हेडर सेक्शन है मेन्यू वाला ये स्टॉप हो जाता है, ये पूरी वेबसाइट के साथ ऊपर नहीं जा रहा। ये इस तरह का जो सीक्वेंस सीन होता है ये इसको बोलते हैं हम स्टिकी हेडर। अगर हम इसको स्टिकी को करते हैं ख़त्म तो अब वो स्टॉप नहीं होगा बल्कि पूरी वेबसाइट के साथ वो भी मूव करेगा ऊपर की तरफ। ये देखें अब वो शो नहीं हो रहा हमें, तो इसका मतलब अब स्टिकी नहीं है। हम अगर स्टिकी रखना चाहते हैं तो हमें ये वाली सेटिंग इनेबल करनी पड़ेगी हेडर, और ये स्टिकी मैंने इनेबल कर दिया। यहाँ पे आ रहा है कि डिसेबल लोगो और टेक्स्ट हमने डिसेबल नहीं करना शो ही रखना है। हाइड शेडो हाइट कितनी हो टेक्स्ट क्या हो ये कुछ मजीद ऑप्शन हैं, फ़ॉन्ट फैमिली भी यहाँ पे भी आ रही है। और ये लोगो आप चेंज करना चाहते हो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसकी वजह से हमारा अगर वहाँ पे देखें तो रिफ्रेश करता हूँ मैं एक बार फिर सेव नहीं किया या जी हमने वो सेव नहीं की सेटिंग सेव किया रिफ्रेश किया। अच्छा यहाँ से हेडर नंबर यस ठीक है सेव क्योंकि गड़बड़ हो गई है जिसकी वजह से वो हाँ मैंने जो सेटिंग चेंज की थी पीछे आकर जनरल के अंदर और एडवांस नहीं विजिबिलिटी थ्री के अंदर ये हाइट के अंदर यहाँ पे नहीं एक सेटिंग मैंने पीछे यहाँ पे चेंज की थी अभी ये वाली इसको ऑफ किया ये करते हैं रिफ्रेश ये तो शो हो गया। अच्छा हम देख रहे थे कि लोगो शो करवाना है या टेक्स्ट शो करवाना है यहाँ पे जैसे पहले हमने किया था वही सेटिंग अब यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन है इस प्लगइन के अंदर हम
लोगो भी शो करवा सकते हैं, हम टेक्स्ट भी शो करवा सकते हैं यहाँ से। अगर आपने ऊपर से टेक्स्ट सेलेक्ट किया तो टेक्स्ट आएगा, लोगो सेलेक्ट किया तो लोगो, और लोगो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से। ये हमने लोगो सेलेक्ट कर लिया, और लोगो सेलेक्ट करके हमने इसको कर देना है अपडेट, सेव, रिफ्रेश एंड चेक। ये देखें, ये अब साफ साफ टेक्स्ट की जगह पे लोगो आ चुका है। मजीद इसकी सेटिंग्स हैं, यहाँ पे फुटर के बारे में भी बात हो रही है। अभी हम क्योंकि हेडर को देख रहे थे तो फुटर की हम डिस्कस नहीं करते, और हम देख रहे हैं कलर्स के बारे में। ये कलर्स हैं ओवरले बैकग्राउंड, मेन्यू आइटम, बॉर्डर कलर्स। ओवरले बैकग्राउंड क्या होती है, जो हम ये देख रहे हैं, ये दीवार है बैकग्राउंड आता है, ये वाला जो बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड उस कलर से अपडेट करने से आ रहा है। ये मेन्यू आइटम जो आ रहा है बॉर्डर, बॉर्डर अगर देखें तो यहाँ पे ये हल्का सा आई थिंक बॉर्डर आ रहा है आइटम्स के दरमियान में। ये आइटम्स होती हैं, ये वेब होस्टिंग, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, इन आइटम्स के दरमियान में कोई, क्योंकि कलर सेम है जिसकी वजह से वो फील नहीं हो रहा है। ठीक हो गया, ये चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा इस प्लगइन का काम ख़त्म होता है, और आपने इस प्लगइन को फिर मज़ीद एक्सप्लोर करना है। मज़ीद जो ऑप्शन जिसके अंदर हमने डिस्कस नहीं किए, वन बाई वन आपने सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करके देखना है कि जो ऑप्शंस हमने स्किप किए हैं, उस उन ऑप्शन से क्या एक्शन पर काम होता है। आपने अप्लाई करके वेबसाइट के ऊपर देखना है और चेक करना है कि क्या एक्शन परफॉर्म हुआ। इस तरह से आप अपने मोबाइल मेन्यूज को भी फर्दर डेकोरेट, या अपनी मर्जी से, या अपने क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट एक और टॉपिक आई थिंक डिस्कस कर लें, या यहाँ पे ख़त्म करें क्लास को। और टॉपिक जो नेक्स्ट है वो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, और वो है कि हमारे क्लाइंट की अब रिक्वायरमेंट है होम पेज के बारे में। होम पेज जो है, यहाँ पर एक बड़ा सा स्लाइडर हो, बड़ा सा स्लाइडर हो, मूविंग कैरोसेल इमेजेस हो, इसके मतलब अंदर मल्टीपल इमेजेस हो, और उनकी बेस पे हम जब क्लिक करें तो इमेजेस चेंज होती हैं। जैसे हमने गैलरी के अंदर बनाया था, उसके ऊपर क्लिक किया था तो वो एक स्लाइडर टाइप आता था, लेकिन ये क्लिक करने से पहले ही एक स्लाइडर हम शो करवाना चाहते हैं। वो कैसे करेंगे, और वो स्टार्ट हो यहाँ से, ये साइड बार नीचे चली जाए, पहले वो स्लाइडर है मेन्यू के बाद। अब जो हमारा काम स्टार्ट हो रहा है वो पेज के ऊपर कंटेंट के बारे में होगा। हम अपने जो होम पेज है इसको पूरा कंप्लीट डिज़ाइन करेंगे। और अगर आप तो कहते हैं स्लाइडर को हम टच कर लेते हैं, लेकिन टॉपिक लेंथी है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अगर इस क्लास को यहाँ पे ख़त्म करना चाहते हैं तो बता दें, ख़त्म कर देते हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे। अगर कंटिन्यू करना है तो बता दें, इसको हम यहीं पे कंटिन्यू कर लेते हैं, मैसेज करके बता दें। ठीक है, फिर आज की क्लास हम यहीं पे एंड कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम होम पेज के ऊपर डिफरेंट कंटेंट्स लेकर आएंगे, और जिसमें हमारा एक टॉपिक जो आज स्किप कर रहे हैं यहाँ पे क्लास, स्लाइडर का है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्लाइडर हम किस तरह से लगाएंगे। जैसे ये आ रहा है ना, ये मेन्यूज के फौरन बाद ये देखें एक बैनर लगा हुआ है, ये एक स्टैटिक इमेज है। हमारा इसी तरह से ही होगा बैनर, लेकिन सिंगल इमेज नहीं होगी, वो मल्टीपल इमेजेस यूज करेंगे हम, वो ऑटो वो चेंज हो रही होंगी ऑटोमेटिकली। उसकी वेट हाइट इसी तरह से ही होगी, हमारी पूरी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। तो इस तरह की चीज़ें, और फिर हम इस पेज के ऊपर मजीद कंटेंट लेकर आएंगे। किसी का क्वेश्चन है आज की क्लास के रिलेटेड तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम क्लास को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जी, किसी ने कुछ पूछना हो आज की क्लास में से, या प्रीवियस क्लासेस में से कोई बात आपने पूछनी हो, किसी चीज़ का भी कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं।
आई थिंक सबको समझ आ गई है और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो क्लास सेंड करते हैं और इंशाल्लाह हमारी फिर नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी, मंडे को फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। राउंड 1020।